दी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक बाली साहब दिल्ली में क्या कर रहे हैं और हमारी आगे की प्रतिक्रिया क्या है। पिछले 4 दिनों से सेवा सिंह बाली जो कि स्टेट वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स, वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ वकीलों से मशवरा करते हैं, लीडरों से मशवरा करते हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्ड मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं ताकि वो मेमोरेंडम जो है वो गवर्नमेंट को दें और उसके साथ डायरेक्शन दी जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन किया जाए और डीजी साहब जो है वो एक्टिवेट हो जाएं और सही जो है पोजीशन एसपीओज की वो बताएं लोगों को, गवर्नमेंट को और कोर्ट को, ताकि कोर्ट हमारे फेवर में फैसला दे सके। सबसे पहली बात ये है कि हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सरकार ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने और दूसरे जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर्स दिए हैं रियासत जम्मू कश्मीर को और यहाँ के डीजीपी को कि वो क्लियर कट अपनी पॉलिसी पेश करें कोर्ट के सामने, ताकि वो जो ये मसला है 40,000 से ज़्यादा जो एसपीओज हैं उनके जो सर्विसेज का मसला है वो हल किया जाए। पर हमें दुख है कि डीजीपी साहब और जो उनके आगे पीछे जो उनकी ब्रास है, पुलिस ब्रास, वो इंसाफ नहीं करना चाहती है एसपीओज के साथ। आप हैरान होंगे, यही एसपीओज, यही बेचारे यूनिफॉर्म्ड और आर्म्ड जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, इनमें से एमए लड़के हैं, बीएससी लड़के हैं, बीएड लड़के हैं जो एसपीओज लगे हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और यही एसपीओज, यही एजुकेटेड लोग जो हैं, ये पुलिस वालों अफसरों के घरों में, रिश्तेदारों के घरों में वो काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन एसपीओज को जब इंटरेस्ट की बात आती है, जब उनको प्रोटेक्शन देने की बात आती है, ये लोग अपने हाथ जो हैं पीछे कर देते हैं। हमें इस बात का बहुत खेद है। हमने ऑलरेडी ये बात जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल ये अपने होम मिनिस्टर और एलजी साहब के कई बार उनकी नोटिस में लाया है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम इस बात से फिर हमने रिट पिटिशन किस लिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ये एसपीओज हैं जो डिसएंगेज कर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल फिट